सर यही हमारे मेजर इशू हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके ऊपर खास करके पीडीसी लैंड वाला जो इशू है वो आपके लेवल पर है सर, उसको दूसरा सर जो पंचायत घर के लिए लैंड डोनेट की थी तो इन लोगों की फाइलें बना के आगे भेज दी है SRO 520 के तहत, अगर चौकीदार वहाँ पे आप मदद करते हैं हमारी तो लाखों का फर्नीचर आज पंचायत के घर में रिकार्ड सब वहाँ पड़ा रहता है तो इन लोगों भी बेनिफिट हो जाएगा सर SRO 520 पे जिन्होंने पंचायत घर के लिए लैंड डोनेट की है। तो सर दूसरा अब पावर को लेके बात करूंगा, सुबह के और दीन दयाल में सर जितना भी काम चल रहा था तो जिन लोगों ने टेंडरिंग ली थी, जिन लोगों के नाम टेंडरिंग हुई थी, तो वो उन्होंने क्या किया कि रोड की साइड में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में काम किया। अभी भी ब्लॉक चिनैली सर राइट सर, हमने दो जगह पे लैंड आइडेंटिफाई करी थी तो बट उनको सूटेबल वो नहीं लगी तो नो वी हैव आइडेंटिफाइड अनदर प्लेस। सर एडवाइजर साहब को भेज दीजिए इशू। हमारी कोशिश ये है कि दूर दराज इलाकों तक हम खुद जाए ताकि लोगों को हम खुद जाके सुने और उनकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देख सकें कि गवर्नमेंट ने जो इतने डेवलपमेंट काम उठाए हैं, स्कीमें इंट्रोड्यूस की हैं, कहीं कोताही तो नहीं हो रही, कहीं कुछ कमियां तो नहीं है, ताकि उसी के मुताबिक जाके मैं करंट प्रोफेक्चुअल फीडबैक वाला साहब भी को दे सकूँ। और जो आप लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई अभी डिफरेंट पंचायत सरपंच से हुई, BDC के साथ हुई, बाकी लोगों के साथ हुई, जितने भी यहाँ पे ग्रुप हैं, उस ऐसा ना समझें कि आपने बोल दिया और मैंने इसका आंसर सुना और निकाल दिया, इसका बाजार से एक डिस्कशन होगा, उसके बाद आपको इसके इमीडिएटली रिजल्ट पता लगेंगे कि हमने इसमें क्या एक्शन किया है और हर एक पॉइंट पे जो आपने यहाँ पे उभारा है उसे बाजार मैं DC को इंटीमेट करूंगा कि क्या क्या एक्शन कहाँ से हुआ ताकि वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकेगा। थैंक यू। फ्रॉम पंचायत ब्लॉक और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उनको जैसे मैंने अभी पीछे भी बता रहा था कि उसको अच्छे से रियलाइज करना चाहिए, जो पहले की जो अभी कोई खराबियां थी उसको जितना दूर कर सको उसको कर लीजिए और खास तौर पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क वो इट शुड कमेंसरेट विद द लोकल रिक्वायरमेंट एंड नीड वो होना चाहिए ताकि लोगों के लिए कम्युनिटी लेवल पे जो एसेट्स है वो आप बना सको। और नंबर दो ये है क्विक डिस्पेंसेशन ऑफ वेजेस, जो आप वेजेस देते हो उसमें जो मैंने कैलेंडर बनाया है कि इतने इतने दिनों में देना, उसको इंश्योर कीजिए कि वो उतने दिनों में उसको मिल जाना चाहिए क्योंकि वेज से ही घर चलते हैं लोगों के। और तीसरा ये है क्वालिटी वर्क, लोगों की उसमें डिजिटल सिग्नेचर करने से पहले लोगों की राय लेनी चाहिए कि कैसे काम हुए, क्या वो खुद भी वेरिफिकेशन करवानी चाहिए। डिपार्टमेंट के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्ट रखोगे, DC के साथ जितना है, DC हर जगह नहीं पहुँच सकता है। अगर मेरे टाइम ऐसे इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन होती तो मैंने उनको काफ़ी जुड़ाया होता और काम पर लगाया होता काफ़ी करने के लिए, जाके मुझे हर जगह से रिपोर्ट दी। इसलिए उसको DC तो आज आ नहीं सका क्योंकि इलेक्शन है वहाँ, उसको बता दीजिए कि इनको मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड ताकि चाहे प्लान फार्मूलेशन हो, महासभा की आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क है या उसकी सुपरविजन का जो है और बाकी डिपार्टमेंट्स का भी, या एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, आंगनवाड़ीज है या छोटे और डिपार्टमेंट जितने भी हैं, उन सब का जो आप काम है उसको आप रेगुलर फीडबैक आप DC को दिया करें। बहुत ना ही वो आज दिन तक काम शुरू रोड बन रही है ना ही उसका मापदंड प्रोग्राम में हुआ था। PMGS, हाँ
नहीं लोगों को मुआवजा मिला है, नहीं वो रोड बनी है। ये बहुत बड़ी परेशानी है। जो ब्रिज की बात की गई है वही हमारी पंचायत में डिग्री कॉलेज बन रहा है। हम चाहते हैं कि वो डबल लाइन बने ताकि और बिजली भी, हमारी बिजली मेरा वार्ड नंबर 7 है 8 है, उसमें कुछ सौभाग्य की योजना के थ्रू वो बिजली का काम चल रहा था, पर वो एक ठेकेदार आता है, कुछ लोगों की पेमेंट के बिना ही छोड़ के चला जाता है। सर बहुत बड़ी समस्या है। हम सौभाग्य नहीं है सर, ये DDU है सर, पावर फिट कर रहे हैं, वो ठेकेदार जो आते हैं तो सर पावर फिट कर रहे हैं सर, LNT के LNT सर आपके अपडेट करते हैं। मैं रतन लाल सरपंच पंचायत हल्का सुध महादेव अपनी तरफ से अवाम सुध महादेव की तरफ से जनाब वाला का सुध महादेव में इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि जनाब वाला ने अपने मुफरीज के बावजूद हमारे इलाके का दौरा किया। वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी पंचायत की पूरी मांगी जनाब वाला से गुजारिश करता हूँ, इलाका सुध महादेव TDS से आजाद किया जाए। PMAY के तहत जो मकान तामीर किए जाते हैं इनकी भी PDS से PDA वाले तंग करते हैं और परमिशन बनवाने पर मजबूर करते हैं। मरम्मत PHC सुध महादेव में स्टाफ की बड़ी कमी है और स्टाफ पूरा नहीं है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सुध महादेव 45 साल पहले बिल्डिंग बनी थी, आज दिन तक उसकी रिपेयर ना हो सकी, ना यहाँ स्टाफ पूरा है। आखिर में मैं जनाब वाला व जनाब से साथ आए हुए अफसर हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद जय भारत। ये ट्रैक हमारा बनता है सर तो जितना टूरिस्ट पत्रिका पे आएगा वो सारा सुध महादेव मानते हैं जो गोरी को नैना देवी की तरफ। आपने ऑलरेडी एक हमने प्रसाद में ऑलरेडी रखा है जो हमने किया है गोरी को ये सर फर्स्ट प्रायोरिटी में करला गोरी गुंड रोड। जैसे LG साहब पहले आए थे तो हमारी इस ब्लॉक की डिमांड थी जैसे ब्रिज था सर वो तुरंत वहां अनाउंस करके गेट हुआ, आज वो ब्रिज उसका टेंडर भी हो चुका है। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, आप करता हूँ, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी में सर ये करला गोरी गुंड रोड कैसे कैसे भी होता। दूसरा सर पत्री टाप के अंदर और फिर अंदर घूमने जाते हैं और स्लो के टाइम तो बहुत ही बड़ी मुश्किल से ये लोग घूम के वापस जाते हैं और छह कहते हैं यहाँ खड़े रहते हैं और वापस जाते हैं। वहां पे पार्किंग की जरूरत है सर, बड़ी और छोटी, यानी टैक्सी स्टैंड प्लस पार्किंग जो है पत्रिका जी जगह सर PDA ने एक प्रपोजल बना के दिया है। अब कुछ फॉरेस्ट लैंड और कुछ स्टेट लैंड भी है वहाँ पे, तो वो फॉरेस्ट लैंड के सिवा वहाँ जगह जब रश होता है तो लोग गाड़ियों में सो रहते हैं, तो ये स्कीम हमारी अगर नई जहाँ पे अगर लागू होती है टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारा अगर बेनिफिट उस बेनिफिट के लिए अगर इस स्कीम को हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो पत्रिका पे टूरिस्ट आता है उसके बजाय जितना भी एरिया सर जे में होना चाहिए। और उसके बाद सर ये जो PDA है सर जो 3-4 पे देते हैं सर जैसे कड़वा देते हैं सुधमा देव है मानतलाई है इनके लोगों को सर बहुत तंग कर रहे हैं। कोई भी गरीब आदमी अपना कोई घोर जैसे माल मवेशी रखना होता है सर उसके लिए कोई दो मतलब थोड़े से कोई तीन दो चटना टीम के लगाते हैं तो उसको फौरी तौर पर सर वो हो जाता है बंद कर देते हैं जे सर बड़ा है इन लोगों को उसका बड़ा गुआ है। जे सर कम से कम जैसे बाकी भी जाते हैं जैसे पंचायती NOC वगैरह देती है पंचायत परमिशन देती है सर ऐसे ही होना चाहिए कि जहां पर सर पंचायतों को दिया जाए कि जिसकी भी जिसको जरूरत है छोटे सर सुनने दीजिए सर जैसे पंचायतों को दी जाए सर
क्योंकि सर ना तो कोई इतनी डेवलपमेंट होती है। पिछली बार सर 3 साल का 750 करोड़ सिलेंडर हो गया था उनका पीडीए का, उन्होंने काम कोई नहीं करवाया था। लेकिन सर इतनी मतलब वो इन लोगों को तंग कर रहे हैं, कोई भी छोटा सा मकान वगैरह बनाते हैं तो सर उनको बड़ा तंग करते हैं। लाओ एनओसी लाओ, वो लाओ, वो गरीब कहाँ जाएगा आपको पता नहीं होता है सर लोगों को, इसलिए सर ये भी पॉइंट है। बाकी सर मैं तय दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। जय मुझे पता है आप वैसे भी खेती बाड़ी काफी हो जी। सर इसके सामने पीएमजीएसवाई को लेकर बात करूं तो हमारी 10 से 12 रोड ऐसी रोड है हमारी पीएमजीएसवाई की जिनका 10 साल से काम शुरू हुआ है, लेकिन उनका अभी तक हम देखें तो अर्थवर्क भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। डिलीवरी में नोट रखें और देयर आर 3 रिलेटेड इश्यूज पर्टेनिंग टू पीएमजीएसवाई। वी हैव समबडी फ्रॉम पीएमजीएसवाई। यस सर। हां क्या है जरा बताइए व्हाट इज द इस पर सर इस स्टेज पे। मुझे पहले ये बताइए कि ये जो आपका 250 हैबिटेशंस वाला है वो सारी कनेक्टेड है, उनका प्लान बन गया सर? जी सर। क्योंकि वो हैव टू कम डाउन टू 250 पता ना। तो इसमें कई आपके ऐसे इश्यूज होंगे जहाँ पे आपके लैंड इश्यूज इन्वॉल्व जो क्लियर नहीं हुए होंगे जिसकी वजह से काम चेंज नहीं शुरू हुआ। इज इट सो? जहाँ के जितने भी आए हुए मेरे बुजुर्ग व मेरे साथ सरपंच, मैं इस पवित्र धरती पर जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने सर मेमोरेंडम तो बनाए हैं सारा, जो जितनी भी डिमांडें हैं हमारे लोगों की जहाँ की वो मैंने पूरी लिखी है। लेकिन सर मेन जो हमारा जो जरूरी है, सबसे पहले सर जो 2014-15-16-17 की जो लाइबिलिटी है मनरेगा की, वो सर जो बड़े जो बैंडर हैं जो बड़े तंग पड़े हैं सर। जब भी हमारी नई पंचायतें आई तो सारे जितने भी लोग थे बहुत सारे वो सर जिन खच्चरों वालों ने मटेरियल लाया, जैसे पत्थर स्टोन वगैरह जो भी है, सीमेंट वालों ने सीमेंट दिया है, बजरी रेट वो सर लाइबिलिटी जितनी भी है पुरानी वो सर मिलनी चाहिए गरीबों को। पहला सर हमारा ये पॉइंट है। और दूसरा सर ये जो मांड रही ढेरी कल उसके सर हमने डिग्री पर्ची वगैरह भेजी है ऊपर, लेकिन सर वो ढेरी कल तो बहुत जरूरी है डिग्री का दे सर। हाँ मांड रही सर, क्योंकि सर बसंतगढ़ से लेकर चिनैनी तक कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, और जहाँ की जो बच्चियाँ हैं सर अगर उन्होंने डिग्री कॉलेज जब हाई सेकेंडरी से पास हो गया अगर डिग्री कॉलेज में जाना होता है तो फिर उधमपुर जब चिनैनी बूढ़ चिनैनी सर वो तभी के उस तरफ पर बना है, वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। और सर ये जो के वी स्कूल जो गवर्नमेंट ने जनाब की गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट ने ये दिया है जो सर मानतलाई में, इसके लिए सर वो लैंड डिस्प्यूट का थोड़ा सा जगह नहीं मिल रही थी। हाँ सर वहाँ पर पीडीए की जगह है थोड़ी सी और वो हाँ वो सर मिलनी चाहिए उनको। और उसके बाद सर वहाँ का एक रोड है सर मानतलाई जो ऊपर मेन रोड वहाँ से सर संस्कार नीचे होते हैं लोगों के और वो ऊपर से, और मैंने सुना है कि वहाँ पर उस रास्ते को बंद कर रहे हैं सर। वो भी सर वो सर जो रोड है ना मानतलाई से मेन रोड नीचे जाता है। Advisor to LT Governor Wasir Khan ji, district ke sabhi officers and officials, sir sabse pehle main aapka thanks karta hoon puri Lati tehsil aur Chinnani tehsil ki taraf se ki aapne hame Sudhma Dev mein mauka diya, lekin सर मेरी गाय बगाय आपसे बात होती रहती है, आपने मेरे साथ वायदा किया है लाठी के लिए, तो मैं खुशकिस्मत हूँ सर। तो सर सबसे पहले सर हमारी एक देरी ना मांग चली आ रही है और जेन्युइन है, मैं 2 मिनट लूंगा सब फोकस कर दूंगा। सर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एट लाठी क्यों? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में
सभी तहसीलों में, चेन्नई में कॉलेज, मझालता में कॉलेज, रामनगर में कॉलेज, बसंतगढ़ में कॉलेज, लाठी 85 किलोमीटर है, पहाड़ी कॉलेज होना चाहिए। सेक्रेटरी से सर, चीफ सेक्रेटरी साहब की चिट्ठी जो आई थी अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को फिजिबिलिटी के लिए, उसकी रिपोर्ट बन गई है सर। 117 कनाल जमीन ऑन द रोड हमने दे दी है कॉलेज के लिए। सर दूसरा है केंद्रीय विद्यालय सर, वो भी ऑन द रोड 107 कनाल, उसके पेपर भी दे दिए हैं डीसी साहब को, ये केंद्रीय विद्यालय के लिए। सर एक इम्पॉर्टेंट इशू है एजुकेशन सेक्टर में ही, टूटू पाला टूटू सर, आप जानते हैं 2005 में मिडिल स्कूल को हाई स्कूल अपग्रेड किया गया था, अभी तक क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ना स्टाफ है वहां ना ही वहां, 2005 से ये अपग्रेड नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट भी फ्रूटफुल है, पूरे लाठी तहसील और ब्लॉक में सबसे ज्यादा इनकी तादाद है। अब चलता हूं मैं सर हेल्थ सेक्टर की तरफ। सर हेल्थ में हमारे पीएससी को बैक टू विलेज में मैं कुछ चीज में समझता हूँ कि मुझे डिजिटल एक्सरे मशीन मिली, ईसीजी मिला, मैं थैंक्स करता हूँ यूटी गवर्नमेंट का। उसके साथ सर ये बहुत ही दूर दराज एरिया है, आपको बताने की जरूरत ही ना, मैं रिपीट करूंगा, आपने लाठी टूटू बसंतगढ़ को खुद देखा है और बहुत दिया भी है लाठी को, बहुत कुछ सीआईसी को सर, इसको पीएससी को सीआईसी में अपग्रेड किया जाए। और दूसरा सर बैक टू विलेज में मुझे 800 मीटर ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत कुछ मिला, लेकिन खुदा का शुक्र है कि एक भी केस जो है लाठी तहसील से कोविड का नहीं मिला। उसके बाद सर हेल्थ सेक्टर से मैं आता हूँ हॉर्टिकल्चर। सर हॉर्टिकल्चर का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आज श्रीनगर से कश्मीरी व्यापारी खरीद के लिए वॉलनट के लिए सर लाठी आ रहे हैं, और साइज के एतबार से और हमारे जो रिजल्ट निकले हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात का बहुत अफसोस है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाई डायनेस्टी की जो एप्पल्स का हमारा 2 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, हमने 20 प्लाट भी दे दिए हैं 10 कनाल के, 5 कनाल के, 3 कनाल के लिए, और सर्वे टीम भी सर श्रीनगर से आई थी, उसका सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, हमारी जमीन की नकलें भी ले ली हैं, लेकिन हमारे चीफ हॉर्टिकल्चर गुप्ता साहब की ट्रांसफर के बाद जो नए चीफ आए उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो चूंकि ये पीक सेशन चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद थी इस वक्त हमारे जो हॉर्टिकल्चर का एक तरफ से हाइड्रेनेस्टी पौधे जो लगने चाहिए थे वो नहीं लग पा रहे सर, उससे उसके बाद तो सर ये चौथा पॉइंट था सर। उसके बाद सर हमारा तभी ब्रिज जो हमें अभी 50 साल के बाद मिला है, तो सर उसके बाद मैं उधर वहां पे करूंगा।